प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का थर्ड लेसन बस की यात्रा पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है श्री हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज, वसुधा आदि। और इनकी मृत्यु सन 1995 को हुई थी, और इन्हें विकलांग श्रद्धा दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कि आप माइंड मैप देख रहे हैं, जिसमें नए शब्द, क्रिया, अनुकरणीय शब्द, शिक्षा का एक माइंड मैप दिया है। इस लेसन में हम क्रिया, अनुकरणीय शब्द का मतलब होता है उस शब्द का बार बार आना, उस शब्द का दोहराना, शिक्षा यानी मोरल आदि को पढ़ेंगे। पाठ का सार, बस की यात्रा। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफर ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि वह बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि बस पूरी इंजन है। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है, ये बस जरूर गांधी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टेयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, ना जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानी से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो जाए। इस इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर से चल पड़ती है, पर किंतु इस बार और धीरे धीरे चलती है, और पुलिया पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं और चिंता करने लग जाते हैं और हंसी मजाक आपस में करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को इस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। इस लेसन में हम निम्न क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? आंसर, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था, इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग किया है। सेकेंड क्वेश्चन, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफर न करने की सलाह उसकी फटे पुरानी हालत को देखकर दी। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा है। क्वेश्चन थर्ड, लेखक को ऐसा क्यों लगा? आंसर, सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाजें गूंज रही थी। क्वेश्चन फोर, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर, लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस को कौन चला रहा था, यह तो स्वयं ही चल सकती है। क्वेश्चन फाइव, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर, लेखक को बहुत डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी भी किसी बस से ना टकरा जाएगी और लोग जख्मी हो जाएंगे, इसलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बस की यात्रा लेसन में कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हाजिर यानी उपस्थित, सफर यानी यात्रा, उमड़ यानी जमा होना, वयोवृद्ध यानी बूढ़ी या पुरानी, निशान यानी चिन्ह, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, कष्ट यानी परेशानी, हिस्सेदार यानी साझेदार, गजब यानी आश्चर्य, विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, विदा यानी आखिरी सलाम, रंग यानी गरीब, कूच करने यानी जाना, निमित्त यानी कारण। इस लेसन में ये एक्टिविटी और शिक्षाएं, आप अपने ओन वाहन से कहीं पिकनिक पर जाएं या बस से जाएं, तो रास्ते में यदि आपका वह
वाहन है वो पंचर हो जाए, तब आप क्या अनुभव करेंगे, आपको कैसा लगेगा, इस अनुभव को आप लिखिए या क्लास में अपने साथियों को सुनाइए। इस व्यंग से, इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। जैसे बस अब बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं थी, बस के हिस्सेदार का कर्तव्य बनता था कि वे इस बस को जबरदस्ती चलाने के बजाय नई बस ले लेते। धन्यवाद। थैंक यू।